हे दोस्तों, क्रिस विंटर की बेटी जब 14 साल की थी तब उसने एक पार्ट टाइम जॉब लगाया था कॉफी शॉप में, जहां वो लोगों को कॉफीज बना के बेचती थी। नाउ जॉब एकदम नॉर्मल सा था, वहां का पे भी एकदम नॉर्मल था, बट जो चीज नॉर्मल नहीं थी वो ये थी कि बस 14 साल की उम्र में उस बच्ची ने एक ऐसा प्रिंसिपल सीखा और यूज करा काम करते टाइम, जिसकी वजह से उसने अपनी इनकम को कुछ ही महीनों में 3 गुना बढ़ा दिया। मतलब पहले समझो, अगर वो 20,000 कमाती थी तो ये टेक्निक का यूज करने के बाद वो 60,000 कमाने लगी। अमेजिंग ना। देखो बात ये थी कि जब वो जॉब कर रही थी तब मिनिमम वेज वहाँ कुछ $8 थी पर आर के हिसाब से, और साइड में उसे टिप्स भी मिला करते थे। नाउ स्टार्टिंग में उसे अराउंड $20 तक की टिप मिलती थी डेली, जो जरा भी बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी बात यहाँ नहीं रुकी, इसके कुछ टाइम बाद ही वो हर दिन टिप्स में 20 से हटकर $40, $50, $60, इवन कभी कभी $75 तक लाने लगी, वो भी हर दिन। जिस बात से हैरान होकर ऑथर क्रिस ने अपनी बेटी को बुलाया और मजाक में उससे पूछा कि बेटा तुम इतने पैसे कैसे कमा रही हो, तुम कॉफी ही बेच रही हो ना, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं? तो इस पे उनकी बेटी हंसी और बोली कि फिक्र मत करो डैडी, एक्चुअली बात यह है कि मैंने फाइनली पता लगा लिया है कि लोगों का सीक्रेट क्या है। सीक्रेट? क्या सीक्रेट? उनके डैड ने पूछा। तो उस 14 साल की बच्ची ने कहा, डैड लोगों को उनके खुद के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है, इसलिए जब भी मैं उन्हें वो करने देती हूँ तो उन्हें ये चीज बहुत पसंद आती है और एंड में वो मुझे बड़ी बड़ी टिप्स देते हैं। नाउ ऑथर ये सुनके काफी सरप्राइज हुए, बिकॉज ये चीज कई बार बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं समझते, जिसकी वजह से वो बिजनेस में हिट नहीं हो पाते। जो चीज उनकी 14 साल की बेटी ने समझ ली थी कि बिजनेस का सक्सेस, चाहे वो कॉफी बेचना हो या फिर रॉकेट बेचना हो, वो इस चीज में बहुत लाय करता है कि आप कितने इंटरेस्ट अपने पोटेंशियल बायर्स की नीड्स और उनके प्रॉब्लम्स पे लेते हो। एग्जाम्पल, उनकी बेटी ने कहा, डैड पहले मैं लोगों को बस कॉफीज देती थी जो वो बोलते थे, मैं वो उन्हें जल्द से जल्द बना के देती थी, जिसके बाद कुछ लोग मुझे टिप्स देते थे, बट फिर मैंने इसके साथ साथ उनके बारे में क्वेश्चंस भी पूछना स्टार्ट करा, उनके काम के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा, और ऐसे ही कई सारे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो उन्हें उनके बारे में बात करने का मौका दे। और बस फिर इसके बाद जब टिप्स की बारी आती तो इसके बाद वो लोग यूजुअली पूरे पूरे बचे हुए पैसे मुझे छोड़ के दे देते थे। नाउ देखो दोस्तों, यह है वो पहला स्टेप उन 3 स्टेप फॉर्मूला में से, जिसके हेल्प से आप कभी भी कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें किसी से बात करना होता है, कई बार खुद से बात करनी होती है, कभी कभी फोर्सफुली सिचुएशन की वजह से उन्हें बात करना पड़ता है, बट उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बात करे, कैसे बात करे, कैसे अच्छे से बात करे कि लोग उन्हें पसंद करे या एटलीस्ट सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो, राइट? सो वेल, यही प्रॉब्लम्स को समझते हुए आज मैं आपके साथ एक 3 स्टेप फॉर्मूला शेयर करूंगा, हाउ टू टॉक टू एनीवन एनीवेयर एनीटाइम बाय क्रिस विडना, इस बुक की समरी के हेल्प से, जो मैंने स्टोरी टेल इस ग्रेट ऐप के हेल्प से सुन के बनाई है। आपको शायद पता होगा कि मैं यूजुअली ऑडियो बुक्स ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वो आप कहीं पे भी सुन सकते हो, लाइक ट्रैवलिंग करते वक्त या और कोई दूसरे काम करते वक्त भी कर सकते हो। प्लस स्टोरी टेल की अच्छी बात ये भी है कि यहाँ मोर देन 1 लाख ऑडियो बुक्स है, जिनमें से आप कितनी भी कोई भी बुक सुन सकते हो बस हर महीने 299 रुपीज देके, जो मुझे काफी अच्छा लगा। प्लस इस दिवाली के ग्रेट टाइम पे इन्होंने एक और बहुत बड़ा ऑफर लाया है ह्यूज डिस्काउंट के साथ, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट अभी के लिए स्टार्ट करते हैं वो 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1, आस्क क्वेश्चंस। बीइंग इंटरेस्टेड इज बेटर देन बीइंग इंटरेस्टिंग। वीडियो के स्टार्ट में बताई स्टोरी दिखाती है कि कैसे क्वेश्चंस पूछना आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने से लेके फाइनेंशियल सक्सेस तक हर चीज में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। देखो, मैक्सिमम लोग जब किसी से बात करते हैं तो वो हमेशा खुद को इंटरेस्टिंग इंसान दिखाने की कोशिश करते हैं कि लाइक पिछले हफ्ते मैं यहाँ घूमने गया था, मैंने ये खाया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, तेरा भाई तो बस ऐसा ही है, वगैरह वगैरह। लाइक वो बस अपनी बड़ाई वाली बातें गिनाते रहते हैं, जबकि ऑथर बोलते हैं कि याद रखो, ग्रेट कम्युनिकेशन का सीक्रेट खुद इंटरेस्टिंग बनने से ज्यादा है दूसरों में इंटरेस्टेड होना। हाँ, आपको भी इंटरेस्टिंग इंसान बनना चाहिए, लाइक आप भी कई डिफरेंट चीजें करो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज रखो, ये सब आपको इंटरेस्टिंग बनाएगा, बात करने के लिए टॉपिक्स देगा। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखो कि आपके इंटरेस्टिंग होने से ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है आपका सामने वाले इंसान में इंटरेस्टेड होना। जैसे डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बोलते हैं कि एक इंसान को उसका खुद का नाम सुनना पूरी दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में सबसे स्वीट और सबसे इम्पोर्टेंट साउंड लगती है, इसलिए आप कभी कभी सामने वाले का नाम लिया करो, उसे यूज किया करो, बिकॉज सच हम सबको हम खुद बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए ये समझते हुए हमें दूसरों में इंटरेस्टेड होना चाहिए। और ये करने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका है क्वेश्चंस पूछ के, उनके इंटरेस्ट, उनके पसंद से रिलेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कोई पार्टी में मिलते हो तो आप पूछ सकते हो कि हाउ डू यू नो द होस्ट, मतलब जिसने ये पार्टी दी है उसे आप कैसे जानते हो, या फिर आप पूछ सकते हो कि क्या आपको ऐसी पार्टीज में आना पसंद है, या आप ऐसी रेगुलर पार्टीज में जाते रहते हो। ऐसी कोई भी सिंपल क्वेश्चन पूछना ग्रेट स्टार्ट है, जो सामने वाले से रिलेटेड हो, ये आपको बात स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। स्टेप नंबर 2, फाइंड अ कनेक्शन। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर कोई मेहमान आया हो जिसने आपसे बात करने के लिए फिर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए हो कि और बेटा बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल, पढ़ाई कैसी चल रही है, जॉब कैसा चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तब आपने नोटिस करा होगा कि सामने वाला कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, स्टिल आप ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाते होंगे और कुछ ही देर बाद ऑकवर्ड साइलेंस आ ही जाती होगी। वेल, ऐसा होता है बिकॉज उन क्वेश्चन से स्टार्ट तो मिल जाती है अच्छी, लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर्स आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बना पाते बिकॉज आप दोनों में वो चीज कॉमन नहीं है। लाइक हाँ, आप बोलोगे पढ़ाई अच्छी चल रही है, अब क्या, अंकल तो अभी स्कूल जाते नहीं है कि आप स्कूल से रिलेटेड और बात कर सको, जैसा आप यूजुअली अपने स्कूल के फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करते हो। और यही रीजन भी है कि हम यूजुअली बड़े लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारे बीच का कनेक्शन कम होता है, कॉमन चीजें कम होती है हमारे बीच में। सो इसीलिए याद रखो, सेकेंड स्टेप ये बहुत जरूरी है अच्छे से बात करने के लिए कि आप कनेक्शन सर्च करो आप दोनों के बीच। और ये आप कैसे करोगे? वेल, ऑथर बोलते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे पूछो जिससे आप एक दूसरे के बीच में कनेक्शन सर्च कर सको। लाइक आप पूछ सकते हो अंकल से, क्या आप आईपीएल देख रहे हो आजकल? अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैं देखता हूँ और आपको भी आईपीएल पसंद है, तो यहाँ आपको समझो कनेक्शन मिल गया। अब आप आईपीएल से रिलेटेड खूब सारी बातें कर सकते हो जो बात को आगे बढ़ाएगा। ऐसी आप किसी से भी बात करो, अंकल अंटी लड़का लड़की किसी से भी बात करो, ऐसे ही किसी से भी बात करो तो आप क्वेश्चंस ऐसे पूछो जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन बनाए। आप दोनों के बीच के सिमिलैरिटीज के ऊपर बात करो, ये बातें आप दोनों के रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे सामने वाला इंसान आपको ज्यादा पसंद भी करने लगेगा। स्टेप नंबर 3, गो इन दैट डायरेक्शन। एक बार जब आपको कनेक्शन वाली चीज मिल जाए क्वेश्चंस पूछ के, तो उसके बाद ये जरूरी है कि आप थर्ड स्टेप फॉलो करो जो है गो इन दैट डायरेक्शन। एग्जांपल, अगर आपने समझो सामने वाले इंसान से ये पूछा है कि क्या आपको घूमना पसंद है, जिस पे सामने वाला बोलता है हाँ मुझे बहुत पसंद है घूमना, तो इस पे आप अच्छा ग्रेट मुझे भी ये बहुत पसंद है ऐसा बस बोल के बात खत्म होने मत दो, या फिर कोई और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट मत कर दो कि क्या आपको फिर बुक्स पढ़ना पसंद है। नहीं, आप कोई इंटरोगेशन नहीं कर रहे हो। इंस्टेड अगर आप बात बढ़ाना चाहते हो तो फिर उस डायरेक्शन में और बातें करो, क्वेश्चन ही करो चलेगा। लाइक सामने वाले ने अगर कहा है कि मुझे घूमना पसंद है, तो बोलो दैट्स ग्रेट मुझे भी घूमना काफी पसंद है, तो चलो बताओ ना आपकी बेस्ट ट्रिप अभी तक कौन सी रही है घूमने में। या आप पूछ सकते हो कि पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी प्लेसेस है जहां आप जाना पसंद करोगे, या अपने कोई बेस्ट ट्रिप के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। ऐसे ही आप उसी पॉइंट से रिलेटेड बातें करो, बात बढ़ाओ, खुद अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करो सामने वाले के साथ, उनके एक्सपीरियंस उन्हें शेयर करने बोलो। ये सब चीज आपके कनेक्शन को स्ट्रांग बनाएगी। ऑथर बोलते हैं कि याद रखो, हमें वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो लोग हमारे जैसे होते हैं, जिनकी पसंद जिनकी सोच हमारी जैसी होती है। इसलिए जब आप कनेक्शन मिलने के बाद उस डायरेक्शन में बात करोगे, तो धीरे धीरे ही सही आप उस इंसान को पसंद आने ही लगोगे। क्यों? बिकॉज उसे लगेगा कि मुझे घूमना पसंद है, मैं अच्छा फन इंसान हूँ, उसी तरह इसे भी घूमना पसंद है, तो ये भी मेरे जैसा फन और अच्छा इंसान होगा, जिससे वो आपको पसंद करने लगेंगे। इसलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट को हमेशा याद रखो। नाउ टू रिकैप, 3 स्टेप का फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप किसी से भी कभी भी बात कर सकते हो, वो कुछ ऐसा है। ऑथर बोलते हैं कि मैंने इसे राइम भी कराया है ताकि आप इसे अच्छे से याद रख सको। लाइक आस्क क्वेश्चन, देन फाइंड कनेक्शन, देन गो इन दैट डायरेक्शन। बस ये सिंपल चीज फॉलो करना आपको 90% लोगों से बेटर बना देगी कम्युनिकेशन में। और ये जरूर याद रखना कि ये सब आपको ये याद रखते हुए करना है कि कोई भी इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा पसंद करता है, और अगर आप भी उसमें इंटरेस्ट लोगे, जेन्युइनली दिल से बात करोगे, तो आप उसको पसंद आओगे ही आओगे। और एक बार आप उसे पसंद आ गए, तो फिर आप उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो, उसके साथ अच्छे बिजनेस कर सकते हो, उसे इन्फ्लुएंस तक कर सकते हो। इसीलिए इस चीज को आज ही जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये बातें मैंने आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय क्रिस विड्डा इस बुक से बताई है, जो मैंने स्टोरी टेल इस ग्रेट ऐप से सुनी है। नाउ इस ऐप से रिलेटेड एक ग्रेट न्यूज है, दिवाली के चलते हुए एक ऑफर आया है स्टोरी टेल पे जो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, यूजुअली आपको 299 देना पड़ता है पर मंथ, लेकिन अभी दिवाली के लिए स्टोरी टेल ने ऑफर निकाला है जहां वो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन बस 1500 में दे रहे हैं, मतलब समझो मोर देन 50% का डिस्काउंट पूरे साल के लिए, जो काफी अच्छा ऑफर है। प्लस याद रखो, स्टोरी टेल पे बस इंग्लिश ही नहीं बल्कि टोटल 9 languages में आपको ऑडियो बुक्स मिल सकती है। जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको कई सारी बुक्स यहाँ मिल जाएगी। प्लस यहाँ आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो ऑडियो बुक्स की, और आप ऑडियो बुक्स को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन ये ऑफर अभी बस कुछ दिनों के लिए ही है। लाइक ये जो 1500 का ऑफर है वो उन्होंने 3 November से लेके 7 November तक के लिए ही रखा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये सब्सक्रिप्शन अभी नीचे जाके ले सकते हो बिफोर ऑफर एंड्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ अभी के लिए इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है किसी से बात करते टाइम। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे उन सभी लोगों के साथ जिन्हें बात करने जमता नहीं है, जो शाय है, या फिर जिन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बात करे। और सबसे मेन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो, ताकि हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का आप एक हिस्सा बन सको, जहां मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।